अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। दिल्ली से मुंबई तक का सफर महज 12 घंटे में सुनकर आश्चर्य होगा, लेकिन ये सपना सच होने जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इसके जरिए दिल्ली से मुंबई तक का 24 घंटे का सफर महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। विशेष बात यह रहेगी कि इनमें बार बार टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का दावा है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का सबसे तेजी से विकसित एक्सप्रेसवे होगा। इस भव्य और आधुनिक एक्सप्रेसवे का दिल्ली दोसा लालसोट तक का पहला फेज बनकर तैयार है और कल यानी 12 फरवरी को पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। आइए देखते हैं इस एक्सप्रेसवे के बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा था। कि देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला, तो मैं मुंबई और पुणे के बीच में हाईवे की टेस्ट कर रहा था, तो मैं गाड़ी में बैठा था और उस समय वहां के L&T के और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के दोनों मालिक पीछे बैठे थे, दोनों के पैकेज थे और मैंने उनको कहा था कि 140 किलोमीटर स्पीड पर मैं थर्मास से चाय निकालूंगा और चाय पीऊंगा और एक भी बूंद अगर नीचे गिर गया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब स्पीड बढ़ो, अब आरू साहब आप आगे ध्यान दो, अब आप आगे ध्यान को बात मत करना। नहीं नहीं चलता हो गया 120। के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली दोसा लालसोट खंड का निर्माण 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से हुआ है। इस सेक्शन के चालू होने से दिल्ली से जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से घटकर लगभग 3.5 घंटे हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर की लंबाई के साथ भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। इससे दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा की दूरी 1424 किलोमीटर से 1242 किलोमीटर हो जाएगी और यात्रा का समय 24 घंटे से 12 घंटे हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरते हुए कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, वडोदरा और सूरत जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगा। इसकी खासियत यह है कि पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी टोल गेट नहीं लगे हैं, यानी सफर के दौरान यात्रियों को बार बार टोल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इस पर चढ़ने और उतरने की जगह इंटरचेंज टोल लगाए गए हैं, यानी यात्रा शुल्क किलोमीटर के आधार पर लिया जाएगा। प्रत्येक 50 किलोमीटर पर एंट्री और एग्जिट के लिए गेट हैं जहां टोल ऑटोमेटिकली कट जाएगा। वहीं इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली और जयपुर रूट पर 5 इंटरचेंज होंगे और ये हाईवे 8 लेन का होगा। इसे 12 लेन चौड़ा बनाया जा सकता है। एक्सप्रेसवे की हाई स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मैंने लोफर अंसारी आपके साथ और आप देख रहे थे फर्स्ट वाइट टीवी। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए फर्स्ट वाइट टीवी और हाँ, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। टीथ क्लीनिंग, डेंचर, डेंटल ज्वेलरी, फेशियल एस्थेटिक सर्जरी, रूट कैनाल, फ्लैप सर्जरी की दुनिया का अनुभवी नाम डॉक्टर पुनीत कालरा, डॉक्टर शिवानी कालरा, कालरा डेंटल केयर एंड फेशियल ट्रॉमा सेंटर, आनंद हॉस्पिटल या उषा कॉम्प्लेक्स, ईवेस्ट चौराहा, मेरठ।